मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या चल रहा है? फाइल फिल लेके बैठे हो क्या? क्या देख रहे हो? आजकल तो बस एक ही चीज है कि 2 हफ्ते बचे हुए हैं और सब बच्चे ये सवाल लेके आ रहे हैं कि मैम व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर अस टू स्टडी। उनके कुछ सवालों के जवाब तो मैं दे पाती हूँ, पर बाकी के लिए मुझे लगा कि अगर आप उन्हें थोड़े से गाइडेंस देंगे, यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड देम। जैसे जरूर। मैं कुछ सवाल अब आपसे पूछती हूँ जो उनके दिमाग में है। सबसे पहला सवाल सर, बच्चे आजकल लेके आ रहे हैं कि 2 साल 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं हमने, देयर इज टू मच ऑफ कंटेंट एंड वी हैव 2 वीक्स लेफ्ट, तो कैसे सब कुछ याद रखें? और ब्रेन इज क्राउडेड एंड व्हाट टू प्रायोरिटाइज? देखो मैम, इसमें मैं बच्चों से एक बात बोलना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स 2 साल का सिलेबस, यानी कि क्लास 11 क्लास 12 का सिलेबस, उस सारे सिलेबस में से क्वेश्चंस आने हैं और 2 हफ्ते का टाइम बचा है। तो बच्चों को इस टाइम में ये रियलाइज करना है कि 2 साल उन्होंने किया क्या है। मेहनत की है ना, मेहनत की है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा उसके साथ में। तो इन 2 हफ्तों के अंदर सिर्फ सिर्फ एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैंने जो कुछ किया है उसको मैं कंसोलिडेट करूं। कंसोलिडेट का मतलब, इस टाइम में कोई भी नया टॉपिक, कोई नई किताब, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना हो कि जो मैं कर चुका मैं उसकी अच्छी प्रैक्टिस करूं। जैसे एनसीईआरटी को एक बार दोबारा से देख लिया, उसके साथ में क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे। नए टॉपिक का तो मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें कुछ टाइम में कुछ करना चाहिए उसके साथ में। डेफिनेटली सर। फिर सर एक और प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि बच्चों का कहना है मैम हम फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, वी आर गिविंग दी AIETS टेस्ट सीरीज, इंटेंसिव टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे हैं, तो किसी किसी टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस सडनली बहुत अच्छी आती है एंड दे फील हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, बट फिर एक टेस्ट ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप हो गई है एंड दे एंड अप लूजिंग ऑल दी कॉन्फिडेंस, तो उस कॉन्फिडेंस वेरिएशन को कैसे वो कोप अप करें? मैम देखो, पहले तो एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे आकाश में हम जो डिफरेंट टेस्ट सीरीज करते ही हैं, जैसे FTS हो गया, उसके बाद टर्म टेस्ट हो गया, ATS हो गया, तो अगर मैं 2 साल के सारे पेपर को इंक्लूड करके, क्वेश्चंस को अगर सारे इंक्लूड करूँ, तो कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 से ऊपर क्वेश्चंस तो बच्चे ने डेफिनेटली कर लिए होंगे। अब 10,000 क्वेश्चंस का मतलब ईच एंड एवरी कंसेप्ट हैज बीन टेकन केयर। तो बच्चे ने अगर वो सारे टेस्ट A to Z राइट फ्रॉम द बिगनिंग से लेके आज तक के सारे टेस्ट अगर उसने अच्छे से किए हैं, तो ऐसा कोई रीजन नहीं कि बच्चे का कोई टॉपिक कोई पोर्शन उसका वीक हो सकता है। और रही बात परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस देखो, अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रही है, अब देखो तैयारी लेवल तो उसका वही है, तैयारी तो उसने ऑलरेडी कर चुका। अब जैसे जो फाइनल टेस्ट सीरीज चल रही है, फाइनल टेस्ट सीरीज में अगर बच्चे का स्कोर फिर भी ऊपर नीचे आता है, तो बच्चे को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अब इसमें कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है कि कोई मेहनत में कोई फर्क आ रहा है, मेहनत तो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आज 600 मार्क्स आ रहे हैं और नेक्स्ट टेस्ट के अंदर 650 आ रहे हैं, तो दोनों में जो फर्क होगा ना, ये कॉन्फिडेंस का फर्क होगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस बेटर होगा उस दिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ में। तो बच्चों को इस टाइम में सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, सो दैट्स व्हाई बेस्ट इज एक्सपेक्टेड फॉर मी। हां जी सर। फिर जब कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो रहा है कि देयर इज अ प्रेशर टू परफॉर्म दैट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग नाउ। उनकी ब्रेन क्राउडेड हो चुकी है, दे आर बर्नड आउट, ऐसे लग रहा है इतने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो वो जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है उसको कैसे डी स्ट्रेस करना है अब हमने? देखो बेटा, सब बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ, हर बच्चे को अपना अपना एक पोजिशन, अपना एक रैंकिंग, अपना एक स्कोरिंग आइडिया तो इस स्टेज में मिल जाता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग। क्या मेरा स्कोर 650 से 700 के बीच में है, या मेरा 700 से ऊपर है, या मेरा 600 से 650 के बीच में है। तो अपना जो स्टेटस है, मैंने जैसे पहले भी कहा, उसको कंसोलिडेट करना है। तो उसको कंसोलिडेट करने का मेन पॉइंट है। और बच्चे को ये नहीं करना कि मैं, क्योंकि देखो एवरीवन कैन बी द टॉपर। अब ये तो नहीं कि हर बच्चे के 720 में से 720 आ जाएंगे। पिछली बार 3 बच्चों के आए, हो सकता है इस बार 4 के आ जाए, 5 के आ जाए, सारे बच्चे तो उस लेवल पर नहीं होंगे। तो मेरा जो मेन मोटो है, मेरा मोटो अपने आप से कम्पीट करने का है कि अगर मेरी स्टैंडिंग आज 650 पे है, तो क्या इन 2 हफ्तों में मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ? क्या मैं इसको 10-15 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ?
तो दैट इम्प्रूवमेंट इज देयर, ओके फाइन, तो प्रेशर का तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ फिर भी मैं मानता हूँ ये कहना बहुत आसान है कि बेटा प्रेशर नहीं लेना, सब कुछ किया आपने, बट प्रेशर तो आएगा और स्ट्रेस तो होगा ही। मतलब अब इसको डिस्ट्रेस करने के लिए भी डेफिनेटली उसके ऊपर थोड़ा सा, अगर बच्चों को जो भी अपना इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत वो जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि मोनोटोनस, मतलब कि बस एक ही दिमाग में थॉट चले जा रहे कि एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, तो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट द स्ट्रेस। तो मैं तो इस टाइम में कहूँगा कि कुछ भी अगर बच्चे का, जैसे उसकी जो हॉबी है, उसका जो कोई इसका कोई लाइकिंग है उसके साथ में, उस पर जरूर उसको काम करें। कि जैसे मान लो कोई म्यूजिक सुन लिया, 5-10 मिनट का कोई लाइट म्यूजिक किसी का है तो वो सुन लिया, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर प्ले करने का है तो इंस्ट्रूमेंट अपना प्ले करे, और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम निकाले, फैमिली में कम्युनिकेट करे, अपने जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर है, ब्रदर सिस्टर है, उनसे बात करे, तो ये डेफिनेटली स्ट्रेस आउट जो स्ट्रेस बनता है ना उसको डिस्ट्रेस करेगा करेगा उसके साथ। इवन मॉर्निंग वॉक कर सकता है, अब इवन जहाँ रूम में जहाँ बैठता है उसकी पोजिशन चेंज कर ले, थोड़ा इधर उधर घूम सकता है उसके साथ में, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी उसके साथ। हाँ जी सर, अब अगला दिमाग में जो मैं सोच पा रही हूँ प्रॉब्लम में आएगी, अब आप बोल रहे हो कि ब्रेक्स लेने हैं पढ़ते हुए, तो बच्चा जब ब्रेक लेता है तो उसके दिमाग में एक चीज जो आती है, फोन उठाते हैं और दोस्त से पूछते हैं कि उनका कितना हो गया है, और वो कभी कभी तो सडनली कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे कि हमारा तो हो गया उनका नहीं हुआ है, या फिर सडनली ऐसा लगेगा उसका सब हो गया और मेरा तो अभी इतना बाकी है। इसी पॉइंट पे मैं एक बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स आपके फ्रेंड से बेटर आएंगे तो आपका फ्रेंड खुश होगा? तो ये तो अननेसेसरी है, ये तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मतलब कि इस दूसरे से ये पूछना कि तुम्हारा कितना हो गया, और वैसे भी कोई कौन सच बताएगा? किसी ने अगर 100% किया होगा तो कहेगा मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये भी हो सकता है कि उसने कुछ भी ना किया हो वो कहते मेरे तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, तो इससे होगा क्या? खुद को टेंशन ही तो क्रिएट होगी उसके साथ में। इतना जरूर पूछो कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, तैयारी ठीक चल रही है, इतनी बात करना फिर भी ठीक है, लेकिन ये क्या करना है उसके साथ में कि तुम्हारी कितनी तैयारी, तुम्हारा कितना स्कोर चल रहा है, तुम्हारा वो कितना है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ना, उल्टा आप अपना टाइम लूज कर जाओगे। क्योंकि वो थॉट एक बार माइंड में जब आएगा, भाई मान लो उसने आपको बोल दिया कि उसके तो 700 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं और वो श्योर है कि 700 से ऊपर जाएगा, और आपके मान लो 670 के आसपास मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? तो डेफिनेटली टाइम खराब होगा ना, वो थॉट आपको पढ़ने ही नहीं देगा, कंसंट्रेट ही नहीं करने देगा उसके साथ। तो देर इज नो नथिंग, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है उसके साथ में, बिना मतलब इस टाइप की गॉसिप करने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी सर, फिर पढ़ते पढ़ते एक और चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि काफी देर से पढ़ रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, और वो अच्छा सा खाने की वजह से आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है तो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, तो क्या एक हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या होनी चाहिए बच्चों की व्हेन द एग्जाम इज अप्रोचिंग? मैं तो इस टाइम में ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे घर में हैं दे शुड डेफिनेटली दे हैव द प्रिविलेज टू हैव द होमली फूड, बट आई नो कुछ बच्चे हॉस्टल में भी होंगे, और इस स्टेज में जब इस टाइम पे इस मोमेंट पे जब स्ट्रेस बनता है ना, तो एक बिंच करने की एक नेचुरल एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसके साथ में। बट मैं बच्चों को एडवाइस करूंगा उसको कंट्रोल करें उसके साथ में, टू स्टे हेल्दी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाउ 2 साल की आपकी जो मेहनत है अब उसका सिर्फ लिमिटेड टाइम बचा है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर किसी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई टेंशन या टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि भाई जैसा खाना खा रहे हो थोड़ा टाइम और कंट्रोल कर लो, और उसके बाद एक बार नीट का पेपर हो जाए ना तो उसके बाद जम के उसके बाद जो आपको मंगाना है वो मंगाओ और खाओ उसके साथ। ट्रीट पोस्ट द नीट एग्जाम। बिल्कुल। पर सर जिस दिन फिर वो नीट एग्जाम होगा, अभी प्रिपरेशन बच्चे ने सब कर ली है बट पिछली रात सो नहीं पाता बच्चा, अक्सर टेंशन ओवर थिंकिंग, क्या मैं याद कर चुका हूँ सब कुछ, एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन आसान आएंगे या मुश्किल आएंगे, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर द एग्जाम डे, बच्चे को क्या करना चाहिए सुबह उठ के? मैम इसमें मैं ना एक पॉइंट बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे टाइम है, अभी मोर देन वीक पड़ा हुआ है अभी एग्जाम होने के लिए, तो अभी एक तो एक छोटा सा एक्टिविटी पर्सन अगर सारे बच्चे करते हैं उसके अंदर, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प कि आप एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे चैप्टर्स के नाम लिख लो, उसके सामने लिखते जाओ कि कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हो गए और कौन से टॉपिक ऐसे जिसमें आपको प्रॉब्लम है।
आई एम वेरी मच श्योर कि जिस बच्चे ने भी 2 साल पूरा अच्छे से एफर्ट किया है तो 70-80% पार्ट rather मोर देन दैट वो उसको ऐसा देखेगा कि वो उसने अच्छे से किया हुआ है। तो एक तो ये जो छोटी सी एक्टिविटी है ना, ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ मैक्सिमम हैज बीन डन, और अगर कुछ बचा है तो लेट इट बी देयर। हमने 720 में से 720 नहीं लाने, मगर मेरे 700 आ जाते तो भी अच्छा है, तो भी सही है। तो कहने का मतलब ये कि जितना हो गया दैट इज गुड, और इससे ज्यादा और की जरूरत नहीं है उसके साथ, राइट। और रही बात अब जो एग्जाम डे आ रहा है, 17 जुलाई का एग्जाम है, तो उससे पहले एक दिन पहले मेरे हिसाब से कुछ भी कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है यानी कि जो डाटा बेस्ड है सिर्फ उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, उसको एक बार रीडिंग कर ले, क्योंकि जो फैक्चुअल होते हैं फैक्चुअल पॉइंट्स माइंड में स्किप कर जाते हैं उसके साथ में, तो लास्ट मोमेंट उसके लिए होना चाहिए। बाकी ना तो कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है उसके साथ में, तो सिर्फ फोकस उस पर होना चाहिए और अपने आप को थोड़ा लाइट रखने की उसमें होनी चाहिए, अच्छी स्लीप होनी चाहिए, टाइम पे सोना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे संडे को एग्जाम है तो सैटरडे रात को देर तक नहीं जगना, नॉर्मल टाइम पे रादर उससे थोड़ा पहले रिलैक्स हो जाएं और सोने की उसमें करें, अच्छी नींद होगी तो नेक्स्ट डे थोड़ी एक्टिविटी बेटर होगी। तो लास्ट डे पे कोई स्पेशल, कोई अलग से, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वट एवर हैज बिन डन इट्स गुड, एंड दैट्स वाई आगे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा उसके साथ। डेफिनेटली सर, तो अब रिजल्ट अगर अच्छा आने वाला है और आपने गाइडेंस भी दे दिया तो डेफिनेटली अच्छा आएगा, तो हमें भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी अबाउट दी सेलिब्रेशन फॉर द रिजल्ट्स। मैम देखो, मैं तो जो जितने भी यहाँ पे टेस्ट होते हैं, ए टेस्ट है या फाइनल टेस्ट सीरीज है, बच्चों की परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ, और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छा रिजल्ट जनकपुरी से आने वाला है उसके साथ में। बहुत से प्रॉमिसिंग बच्चे हैं जो अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे उसके साथ, एंड वी आर रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। बस एक बार एग्जाम हो जाए एंड देन द सेलिब्रेशन विल स्टार्ट, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि जो जनकपुरी के स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी 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 वेल, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा अभी तक का, जो अभी तक का परफॉर्मेंस है उस सबको लेकर। डेफिनेटली सर, लेट्स होप that we enjoy very good ranks bilkul, and bilkul. Celebrate them. Thank bilkul. You sir, I'm looking time. Forward to it, and thank you for your time sir. Thank you.